So guys, आज की वीडियो हम बात करने वाले हैं Vivo के Y18e डिवाइस के अंदर अपने फोन के अंदर एल्बम ऐप के अंदर फोटोज एंड वीडियोस को हाइड कैसे करेंगे। गाइस, अगर आपको भी अपने एल्बम एप्लीकेशन के अंदर फोटोज एंड वीडियोस हाइड करनी है तो नो डाउट आप इजीली कर सकते हैं। ये काफी इंटरेस्टिंग सेटिंग से एक बार छोटा सा डेमो करते हैं एंड आपको दिखाते हैं किस तरीके से फोटोज एंड वीडियोस को हाइड करते हैं एल्बम ऐप के अंदर। वेल गाइस, इसके लिए हमें ओपन करना होगा अपने एल्बम एप्लीकेशंस को। हमारा एल्बम एप्लीकेशन यहां पर एक बार इसको प्रेस करके ओपन करते हैं। अगर यहाँ पर आएंगे तो हम एज अ डेमो कोई भी एक इमेज उसके अंदर एंटर करते हैं और यहाँ लॉन्ग प्रेस करना है इस तरीके से एंड थ्री डॉट पर जाना है। हाइड का एक ऑप्शन होगा, जस्ट हाइड पे क्लिक कर देंगे तो ये फोटोज हमारी जो है वो हाइड हो जाएगी। इवन गाइस, अगर वीडियोज भी हाइड करनी है तो वीडियोज भी हाइड कर सकते हैं, बट कंडीशन ये है कि अगर जो आपने फोटोज एंड वीडियोज हाइड करी हुई है उसे देखना है तो सेटिंग पे क्लिक करना, व्यू हिडन फोटोज पे क्लिक करेंगे एंड जितनी भी हमने फोटोज हाइड करी है टोटल यहाँ पर दिख जाएगा। इवन वीडियोज भी इसके अंदर आपको मिल जाएगी, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि इसके अंदर कोई भी प्रोटेक्शन नहीं है, सिक्योरिटी प्रोटेक्शन नहीं है, इसके अंदर पासवर्ड वगैरह नहीं लगा सकते। तो अगर आपको नॉर्मली कुछ हाइड करना है तो हाइड कर सकते हो, बट आपको कुछ पर्सनल अगर हाइड करना है तो ये आपके लिए बेस्ट टूल नहीं है। इसके लिए आप फॉलो कर सकते हो सेफ फोल्डर पासवर्ड जो गूगल फाइल का है या फिर कोई थर्ड पार्टी ऐप्स वगैरह के साथ जा सकते हैं। फिलहाल अगर नॉर्मली अगर हाइड करना है कुछ भी तो ये आपके लिए काफी बेस्ट ऑप्शन है। आई थिंक समझ गए होंगे कैसे हाइड करना था एंड इसके रिगार्डिंग कोई और कंफ्यूजिंग होती है तो आप हमें कॉमेंट करके पूछ सकते हैं।